नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने ये सलवार पर वीडियो बनाई है। सलवार में हम प्लेट कैसे डालें और प्लेट डालने का सही तरीका क्या है, और अगर हम ये प्लेट सही डाल लेंगे तो सलवार की जो मोरी होती है वो पीछे की तरफ नहीं घूमेगी। सलवार का जो पोचा मोरी होता है वो पीछे की तरफ नहीं घूमेगी अगर ये प्लेट हम सही ढंग से डाल लेंगे तो। और जो पोचा मोरी होता है उस पर जो एक्स्ट्रा जो ये प्रेस वाली प्लेट होती है उस पर जो एक्स्ट्रा प्लेट उसके ऊपर गिरती है, ये खड़ी खड़ी नहीं रहती है, तो उससे हमारा पोचा मोरी भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली प्लेट खड़ी खड़ी ही होनी चाहिए। देखो ऐसे, इस पर मैंने ये फुल वीडियो बनाई है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना। ऐसे ये जो पोचा मोरी होती है इस पर ये प्लेट नहीं गिरेगी अगर हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो। और ये एक प्रेस वाली प्लेट होती है, इसको कहाँ पर डालना चाहिए इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, वीडियो को पूरी देखना। और आपकी अगर आप ऐसे ही बनाओगे सलवार तो आपकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी। पहले मैं भी ये वाली प्लेट कहीं कहीं पर डाल देती थी, कभी 7 इंच पे, कभी 9 इंच पे, तो मेरी सलवार की जो फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती थी। कभी पोचा मोरी घूमता था, कभी ये जो प्लेट होती है बड़ी वाली जो प्रेस वाली वो पोचे मोरी पर पड़ती थी। ये हमारा बीच का सेंटर है और इसमें हम जो ये प्लेट डालेंगे बड़ी वाली सलवार की जो प्रेस वाली प्लेट होती है मोरी वाली कॉर्नर वाली सबसे जो बड़ी प्लेट होती है उसको हम इस बेल्ट में कहाँ पर डालें आज मैं यही बताऊंगी आपको। इसमें हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास ये बेल्ट है 23 इंच, मैंने ये 23 इंच तैयार बेल्ट चाहिए, तो इसमें मैं ये प्लेट कहाँ डालूँगी कॉर्नर वाली, ये जो जो प्रेस वाली होती है ना प्लेट मोरी वाली, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ी प्लेट होती है एक, और ये कहाँ डालते हैं ताकि ये सलवार है जो घूमे नहीं बिल्कुल भी पीछे की तरफ न जाए, तो यही बताऊंगी। अब बेल्ट पर आ जाते हैं, कितनी लंबाई पर हमने ये प्लेट डालनी चाहिए ये बताऊंगी आज की वीडियो में। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें 23 इंच की बेल्ट है तो हम ये प्लेट डालेंगे 8 इंच पर, यानी यहाँ यहाँ पे डलेगी, ठीक है, यहाँ पे डलेगी ये वाली प्लेट, ठीक है। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप छोटी छोटी प्लेट डाल लेना, मेन प्लेट तो हम ये 8 इंच पे डालेंगे। और अगर आपकी ये बेल्ट का साइज़ ज़्यादा है, अगर आपका यहाँ पर 1 इंच बड़ी 24 इंच है तब तो आप आधा इंच और बढ़ा दें, 25 है तो फिर आधा और बढ़ा दें, ऐसे आधा आधा बढ़ाता जाएंगे। और अगर आपकी ये जो बेल्ट की लंबाई कम है, आपकी पास 22 है तो आधा इंच कम करते जाएंगे ऐसे, उस पर हमें ये बड़ी वाली प्लेट प्रेस वाली प्लेट डालनी है। अभी मैंने वैसे आपको निशान लगा के बताया है, इस साइड में 8 इंच पर यहाँ डलेगी और इस साइड में भी 8 इंच पर यहाँ डलेगी, यहाँ पे मैंने दोनों को निशान लगा लिए हैं। ये आगे वाला हिस्सा है इसका, मैंने इसको जोड़ा नहीं है अभी, बाद में जोड़ूंगी। ये देखिए, इससे ये हमारी जो सलवार है बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और बिल्कुल ही ये जो प्रेस वाली है ये आगे सीधी रहेगी, पोचे पर ये प्लेट गिरेंगी नहीं, जैसे कि ये ऐसे गिर जाती है ना, जैसे ये ऐसे ऐसे नहीं गिरेंगी, सीधी खड़ी रहेंगी और घूमे भी नहीं। तो इस प्लेट को मैं डाल के दिखाऊंगी अभी, अभी मैंने वैसे ही बताया है। और हाँ, ये जो मैंने पट्टे काटे थे इसको हम गोडे भी बोलते हैं, पट्टे भी बोलते हैं, इसमें मैंने जो ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर तो मैंने पोचा बना लिया है यहाँ पर तो, और जो ये ऊपर का हिस्सा है इसमें मैंने ये 2 इंच डाउन लिया था यहाँ से, यानी 2 इंच डाउन, और ये लंबा 5 इंच है, 5 इंच पे ऐसे मैंने ये काटा हुआ है, ये तिरछा थोड़ा डाउन है, इससे भी ये प्लेट सही पड़ेंगी। देखो ये ऐसे थोड़ा सा डाउन है, इसे 2 इंच डाउन है, ये तिरछा थोड़ा थोड़ा ऐसे काट लेंगे तो ये सही यहाँ पर पोचे पर ये सही लगेगा।
और बिल्कुल सलवार बिल्कुल सही बनेगी। अभी मैं आपको एक बार ये प्लेट लगा के दिखा देती हूँ, वैसे ही रफली सिलाई बाद में करूँगी इसकी। ये देखिए, जैसे ये हमारी प्लेट है ना, ये वाली, इस प्लेट को हम पहले ही यहाँ पर 8 इंच पर पहले ही लगा लेंगे बेल्ट में। ये बेल्ट है हमारी, ये बीच का हिस्सा है, 8 इंच पे मैंने ये लगाया है। मेरी बेल्ट की लंबाई 23 इंच है। अगर आपकी बेल्ट ज़्यादा बड़ी है, 24 है, तो आप ये 8.5 पर लगाए ये वाली प्लेट, ठीक है। और अगर ऐसे बढ़ती, अगर आपकी लंबाई 25 है तो आप 9 इंच पे लगाएं, ऐसे आधा आधा इंच बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी ये बेल्ट फुल तैयार 22 इंच है तो आधा इंच घटता जाएगा यहाँ पर, ये इसको हम 7.5 पे लगाएंगे, ऐसे घटता जाएगा, ठीक है। इस प्लेट को मैं ऐसे लगा लेती हूँ, ये देखो यहाँ पर ये प्लेट ऐसे यहाँ पे लग जाएगी यहाँ पर। बाकी जो कपड़ा बच गया उसे हम छोटी छोटी करके इधर लगा लेंगे, और इस प्लेट के अलावा और कपड़ा बचेगा इधर, उसको हम छोटी छोटी करके लगा लेंगे। चलो अब हम सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम ये जो बैक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच की दो प्लेट डालेंगे, ऐसे एक प्लेट को ऐसे उठाया 1.5 इंच में ऐसे, और इसको ऐसे रख दिया। ऐसे ही दूसरी साइड से उठा के इसके सामने ऐसे रख देंगे। ये बैक वाली प्लेट है, ऐसे कपड़े को सीधा करके इसको हम ऐसे सील लेंगे। ये देखिए, अब हमें ये निशान लगाना है कि हमने प्लेट कितनी दूरी में लगानी है। मैं यहाँ पर 9.5 इंच की दूरी में लगाऊंगी, पर एक जो प्रेस वाली प्लेट है उसको मैं 8 इंच पर लगाऊंगी, वो मैंने पहले भी बताया था अभी। ये देखिए, दो निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे, एक 9.5 इंच का और एक 8 इंच का। हम 9.5 से शुरू करेंगे, और इस 8 इंच पर तो हम ये एक बड़ी प्लेट लगाएंगे, जो प्रेस वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखिए, ऐसे करके हम ये प्लेट लगा लेंगे इसमें। ये देखिए, मैंने 9.5 से शुरू करके 2-3 प्लेट वैसे लगा दी है छोटी। अब ये एक बड़ी प्लेट यहाँ पर लगाऊंगी मैं 8 इंच पर, ऐसे करके ये कम से कम 3-3.5 इंच की बड़ी प्लेट लगानी है हमें। ये देखिए, मैंने पिन लगा रखी यहाँ पर मैंने इस प्लेट को। अभी मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे करके हम ये सारी प्लेट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ये एक साइड की प्लेट लगा ली है। ये बड़ी प्लेट मैंने 8 इंच पर लगाई है, और मैंने ये 9.5 इंच से शुरू की है। ये बड़ी प्लेट हमने यहाँ पे ऐसे लगाई है, और इसके पीछे भी हमने ये 2-3 प्लेट लगाई है। जितना आपके पास कपड़ा उतना आप ये लगा लेते लेंगे। ये देखिए, ये पीछे इतनी बड़ी प्लेट है, ये 3.5 इंच की है ये। अब हम दूसरी साइड की भी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी सलवार सिलने के बाद ऐसी है। यहाँ पर मैंने ये सारी प्लेट डाली हुई है, और ये जो एक प्लेट है प्रेस वाली, ये देखिए, ये मैंने नीचे यहाँ से यहाँ तक ये प्रेस वाली प्लेट है, इसको मैंने 8 इंच पे डाला है यहाँ पे, 8 इंच यानी यहाँ से 8 इंच। और मैंने ये 9.5 इंच पे शुरू की है। इसके बाद ये 3-4 प्लेट मैंने और डाली है। आप कपड़ा कम है तो यहाँ 1-2 डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी कैसे भी डालो, आप छोटी बड़ी कैसे भी डालो, पर ये एक प्लेट है, ये बड़ी डालनी है आपको। ये देखें, ये कम से कम इतनी बड़ी डाली है मैंने यहाँ पे, ये अंदर की तरफ ये देखें। ऐसे ही मैंने इधर भी डाला है, ये
प्रेस वाली प्लेट है ये वाली, देखिए नीचे तक। और ये सलवार बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और इसमें कोई भी घुमाव नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी ये। और ये यहाँ पर जो पोचा होता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे गिरे भी की नहीं इसके ऊपर, ये चुन्नट सी आ जाती है ना, ये भी नहीं आएगी। इस तरह से अगर हम प्लेट डालेंगे तो हमारी सलवार की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपने चैनल पर टेलरिंग के अलावा कुकिंग, प्लांटेशन, मैट बनाना इनकी भी वीडियो डालती हूँ, उनको भी ज़रूर देखना। और अगर आपको वो पसंद आए तो उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को देखने के लिए। छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम। सभी हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।